दीदी का एग्जाम हो गया एंड मेरा भी हो गया, लेकिन मेरा अब तक ये पास वाला चिट्ठी नहीं आया। दीदी का तो आ चुका है, ये लो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो सुबह सुबह के टी बज चुके हैं एंड पापा जी फिलहाल बात कर रहे हैं, से तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, मस्त भी ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये पापा जी की बातें खत्म हो गई एंड अभी करते हैं मस्त ब्रेकफास्ट, जो कि पूरी एंड रबड़ी की सब्जी बनाई है। आज तो पूरियाँ मम्मी जी ने बनाई एंड सब्जी दीदी ने बनाई है। चलो कोई नहीं, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। मैंने तो ऑलरेडी दो पूरी खा ली है, अभी दूसरी पूरी भी खा लेते हैं। बाय पापा। तो फिलहाल मैं आया था वो वाला फ्लोर पे जहाँ पे पत्थर वगैरह लगाए थे ना, कल जो काम कम्प्लीट हुआ था वहाँ पे आया था। एक्चुअली कल रात तो मैं दिखा नहीं पाया था क्योंकि भाई यहाँ पे लाइट थी नहीं एंड अभी तो डे टाइम है, तो अभी तो आराम से दिख ही जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने अपना फ्लैश ऑन कर दिया ताकि भाई कहीं कहीं पे अंधेरा है ना, जैसे कि यहाँ पे एंड वहाँ जो कोने में बहुत ही अंधेरा है तो दिखता नहीं है, कैमरे में नहीं दिखता है, आंखों से तो एकदम क्लियरली दिख जाता है। तो अभी ये सारे पत्थर का काम हो गया, बस बॉर्डर रख दी है क्योंकि ये दीवार टूटेगी ना बाद में, इसलिए हमने बॉर्डर का काम किया नहीं है। जब ये दीवार टूट जाएगी फिर वो वाले फ्लोर का एंड ये वाले फ्लोर का जॉइंट करेंगे ना, तो फिर ये भी काम कर देंगे। सो यहाँ से लेके अब पूरे तक काम कम्प्लीट हो चुका है एंड भाई यहाँ पे तो आवाज़ एकदम खतरनाक वाली गूंज रही है। चलो कोई नहीं, देखो भाई काम हो चुका है, बस बाथरूम में करना बाकी है, वो तो बाद में करेंगे लास्ट में, यहाँ पे पूरा टोटल काम कंप्लीट होने के बाद में करेंगे। आज का शेड्यूल बहुत ही बिजी होने वाला है क्योंकि अभी 10 बजे हम भैया ट्रेनर भैया के पास जाएंगे, वहाँ पे एक बार वापस से ट्रेनिंग लेंगे जो भी 8 NH वापस एक बार करेंगे एंड फिर जाएंगे हम टेस्ट के लिए, जो भी RTO ऑफिस जहाँ पे जाना पड़ेगा वहाँ पे जाएंगे। सो 2:30 बजे तक हमारे एकदम बिजी शेड्यूल है। तो दीदी फिलहाल रेडी हो रही है, जैसे दीदी का रेडी वगैरह होना होता है भैया को कॉल करते हैं एंड बुलाते हैं एंड फिर जाते हैं ड्राइविंग के लिए। चलो फाइनली दीदी रेडी हो चुकी हैं एंड अभी चलते हैं लास्ट एंड फाइनल ड्राइविंग क्लास के लिए। चलो फाइनली आ गए घर पे। भाई दीदी तो रिकॉर्डिंग लेने ही नहीं दे रही आज, मत करो यार। तो अभी थोड़ी देर मस्त रेस्ट करते हैं कुछ 2:30 बजे तक एंड फिर जाएंगे RTO ऑफिस। अभी दोपहर के 1:20 बज चुके हैं एंड फिलहाल मस्त अभी लंच करते हैं, जो कि पूरियाँ हैं, चावल हैं, छाछ है एंड वो इस रबड़ी की सब्जी है। बस चावल एंड छाछ एक्स्ट्रा है, बाकी सब कुछ वही है जो भी सुबह खाया था। कोई नहीं, पहले लंच करते हैं एंड पापा जी भी आ रहे हैं, तो मैं दीदी एंड पापा जी तीनों साथ में जाएंगे RTO ऑफिस अपनी कार लेके, तो देखते हैं क्या होता है। तो पहले तो मस्त लंच करते हैं, पापा जी भी आ रहे हैं, पापा जी भी लंच करेंगे एंड फिर निकलेंगे। फिलहाल भी हमारा लंच हो चुका है एंड अभी पापा एंड मम्मी कर रहे हैं लंच, जैसे ही पापा जी का भी लंच कम्प्लीट होता है फिर चलते हैं। चलो हो गया, अभी हमारे साथ में मम्मी जी भी चल रही है। तो एक्चुअली मम्मी जी को दूसरी जगह पे काम है कितने, तो वहाँ पे मम्मी जी को छोड़ेंगे एंड फिर हम जाएंगे कार टेस्ट के लिए। आज हमारा एग्जाम होने वाला है दीदी, हम दोनों को पास होना है। अच्छे अच्छे ट्रेन होके आए हैं, तो चलते हैं पहले टेस्ट के लिए, है ना। तो मैंने शूज भी पहने ले लिया, इसीलिए पहले पहन लो ना। चलो पहन लिया, तो अभी चलते हैं। पापा जी ऑलरेडी कार लेके आ गए दुकान से, तो अभी कार में चलते हैं। बहुत ही गर्म है यार कार, क्योंकि बहुत देर से धूप में खड़ी थी ना, तो एकदम खतरनाक वाली गर्म है कार। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी कि मिरर में मैं ओपन कर दिया है। अभी सीधा RTO ऑफिस चलते हैं। फिलहाल अभी RTO ऑफिस पहुंच चुके हैं, लेकिन पहले मुझे बाहर जाना पड़ा क्योंकि जीरोक्स लेके आना था ना, तो जीरोक्स वगैरह लेके आ गए, तो पहले चलते हैं। सब लोग तो अंदर पहुँच चुके हैं, मैं अकेला बाहर खड़ा हूँ, तो जीरोक्स लेने गया था ना, तो अभी जीरोक्स मिल गए एंड अभी हम भी अंदर चलते हैं। भाई लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा एंड बहुत गर्मी भी है। चलो कोई नहीं, पापा जी भी यहीं पे, इतनी देर से लाइन में खड़े रहने का एक फायदा तो हो गया, छूट मिल चुकी है। तो अभी थोड़ी देर में चलते हैं जो भी ऐसे वाले रूट में एंड ड्राइव करके आते हैं कार।
अभी हमें करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, 5 या 6 लोग है कि हमारे आगे, तो उन लोगों का कंप्लीट होने के बाद हमारा नंबर आएगा कितने। तो फॉर्म वगैरह हमारे भर लिया है भैया ने, तो अभी वेटिंग करते हैं, पहले दीदी का आएगा एंड फिर मेरा आएगा, पहले वेटिंग करते हैं। पापा जी भी मस्त एक्टिव एंड हम तीनों यहाँ नीचे बैठ गए यार। अभी टाइम आ ही गया ड्राइविंग करने की, भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, अभी एकदम हमें सही से समझा दिया भैया ने, सो अभी चलते हैं। दीदी का एग्जाम हो गया एंड मेरा भी हो गया, लेकिन मेरा अब तक ये पास वाला चिट्ठी नहीं आया, दीदी का तो आ चुका है, ये लो अपना पास वाला चिट्ठी, लेकिन हमारा आना है अभी, जो भी क्या कहते हैं रिजल्ट, हमारा रिजल्ट भैया के पास है तो भैया आके देंगे, चलो कोई नहीं। चलो अभी अपनी स्लिप आ चुकी है एंड स्लिप वापस सबमिट कर दी, तो अभी सीधा घर पे चलते हैं, हमारा लाइसेंस आ जाएगा एक 10-15 दिन में, जो भी टाइम रहेगा सो बन के मस्त आ जाएगा, पहले ट्रेनर भैया के पास आएगा, वहाँ से हमारे पास आएगा। चलो कोई नहीं, फिलहाल भी सब लोग चलते हैं घर पे। क्या हुआ, लाइसेंस आ गया? अभी नहीं आया, अभी टाइम है 10-15 दिन है ना, नहीं अभी भी हमारे पास LLR है, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, क्या बोलते हैं लर्निंग लाइसेंस है। तो फिलहाल अभी चलते हैं जहाँ पे मम्मी जी को काम है, सुराराम भूल के जगह है, वहाँ पे चलते हैं अभी। मम्मी जी का काम हो चुका है, जो ही मम्मी जी का काम था, काम कम्प्लीट हो चुका है भाई। चलो कोई नहीं, अभी चलते हैं घर की ओर। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है एंड अभी फटाफट से घर पे चलते हैं। पहले तो अभी दुकान पे आ गए थे एंड यहाँ से एक्टिवा लेके घर पे जा रहे हैं, क्यों मुझे चेंज ओवर करना है ना, तो अभी जिम क्लास भी अटेंड करना पड़ेगा, तो अभी और 1 महीना है एंड 1 महीना तो जाना ही पड़ेगा जिम क्लास, तो अभी 7 बज चुके हैं, तो मैं एंड जी चलते हैं घर पे एंड ड्रेस चेंज करके आते हैं। घर पे आके फटाफट से चेंज वगैरह कर लिया एंड अभी चलते हैं दुकान, वहाँ से जिम क्लास ज्वाइन करते हैं। चलो दीदी, एंड अभी जिम पे पहुँच चुके हैं, तो चलते हैं। जिम क्लास वगैरह तो खत्म हो गई एंड फटाफट से दुकान पे आ गए, तो देखते हैं अभी घर पे कब चलते हैं। मम्मी एंड पापा जी के तो यहाँ पे पड़ोसियों के साथ टॉकअप चल रही है, यहाँ पे चल रही है, चलो कोई नहीं इंतजार करते हैं। चलो कोई नहीं, हम तो चलते हैं घर पे, मम्मी एंड पापा जी एक्टिवा लेके आ जाएंगे, हम हीरोंडा लेके चलते हैं। चलो दीदी चले अभी घर पे, चलो फिर। एंड अभी हम तो घर पे पहुँच गए, तो मम्मी पापा जी आने का भी बाकी है, अभी तक आए नहीं है, मेरे ख्याल से मम्मी पापा जी जॉब वगैरह सब कुछ करेंगे एंड फिर आएंगे, तो अभी 9:12 हो चुका है एंड अभी 18 और सब कुछ जो भी है स्टार्ट करते हैं, तो डिनर अब तक बना नहीं है, दीदी फिलहाल डिनर ही बना रही है एंड तब तक 18 और सब कुछ कंप्लीट करते हैं। फाइनली अभी 18 और सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है, सो अभी रात के 10 बज चुके हैं, 10:06 हो गए एंड आज तो बहुत जल्दी हो गया यार, छोटा मोटा जो भी था फटाफट से मैंने 18 और किया एंड कम्प्लीट हो चुका है, तो मम्मी पापा जी आ चुके हैं, मम्मी पापा जी मैं डिनर और सब कुछ करके सो गए एंड अभी बस डिनर करते हैं, जो कि दीदी दाल चावल बना दिए थे, मस्त अभी दाल चावल खाते हैं। तो थोड़े से चावल ले लिया, लेकिन यार दाल का चमचा ही नहीं लाया, तो फिर सारे सामान मैंने नीचे रख दिया, सामान गया यार, सारा खाना मैंने नीचे रख दिया, लेकिन दाल का चमचा ही नहीं लाया, तो पहले दाल का चमचा लेते हैं जो कि यहाँ पे पड़ा है एंड अभी लेते हैं मस्त दाल एंड अभी डिनर भी कम्प्लीट हो चुका है, तो मस्त अभी सो जाते हैं एंड ब्लॉग को एंड करते हैं, क्यों एडिटिंग और सब कुछ हो चुकी है, बस अभी जो ब्लॉग बना रहा हूँ उसका ऐड करूँगा, सेव करूँगा एंड बस सो जाऊँगा, फिर कल से भी अपलोडिंग करना है, नया ब्लॉग स्टार्ट करना, बस चलता रहेगा अपना डेली वर्कआउट। तो आज बस ज़्यादा कुछ किया नहीं, हम RTO ऑफिस गए, वहाँ पे टेस्ट वगैरह दिया, पास हुए एंड लाइसेंस आना है, बस अभी उसका इंतज़ार है, देखते हैं कितने दिन लाइसेंस आता है। अच्छे मैंने ट्रेनर भाई को पूछा था, उन्होंने कहा कभी कभी 2 दिन में भी आ सकता है, कभी भी महीना एक बोलते मैक्सिमम टाइम मंथ लग सकता है, महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कहते 15 दिन में भी आ सकता है, एग्जैक्ट कोई टाइम ही नहीं है, कहते हमारा लाइसेंस कभी भी आ सकता है, तो देखते कब तक आता है। मैंने भैया ने तो कहा मैं तो अरेंज करवाता हूँ, 2 दिन में अरेंज करवा दूँगा बोल के, लेकिन फिर भी देखते हैं हो पाता है या नहीं। सो एंड अभी के लिए ब्लॉग को एंड करते हैं एंड बस थोड़े दिनों मस्त नए नए अच्छे अच्छे ब्लॉग आने स्टार्ट हो जाएंगे, मस्त कार ड्राइव करेंगे एंड बस कहीं ना कहीं ट्रिप बनाएंगे यार, कहीं ना कहीं जाने का प्लान बनाएंगे। तो जिसने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो वीडियो को एंड शेयर करो अपने दोस्तों में भी एंड अभी के लिए ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल भी नए सब्सक्राइब में रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड हमारी लास्ट कैच भी खत्म हो गई एंड भी पहले यार दीदी रिकॉर्डिंग लेने नहीं दे रही, घर पे जाके बात करते यार दीदी रिकॉर्डिंग लेने नहीं दे रही है।